कोरबा में मवेशी गोबर के बाद अब कुत्ता चोरी की रिपोर्ट थाना में लिखाई गई है। पुलिस के पास भी कभी कभी अजीबोगरीब मामला सामने आता है। मवेशी की चोरी की गई शिकायतें पहले ही दर्ज है। इसके बाद दीपका थाना में पिछले दिनों गोबर चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई, जिसकी जांच जारी है। अब एक विद्युत कर्मी ने लेब्राडोर डॉग के चोरी होने की आशंका व्यक्त करते हुए दर्री थाने में शिकायत दर्ज कराई है। विदेशी कुत्ते अब लोगों के लिए शान का प्रतीक बन गए हैं, खासतौर पर लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियम स्नेफर, पामेरियन, रॉटविलर जैसे कुत्तों को सुबह शाम मालिक टहलाते देखे जा सकते हैं। दर्री के एसटीपीएस कॉलोनी निवासी दिव्य प्रकाश मानिकपुरी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका लेब्राडोर डॉग 3 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे से लापता है। उसने आशंका जाहिर की है कि किसी ने उसके कुत्ते की चोरी कर ली है। वैसे तो पुलिस के पास ढेरों अपराध रहते हैं, जिन्हें सुलझाने में ही उनसे फुर्सत नहीं होती। इस हालत में कुत्ते के पीछे यदि टीम बनाकर तफ्तीश की जाए तो यह भार और बढ़ जाएगा। वैसे तो सिटी कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को मवेशी चोरी के मामले में रायपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दीपका थाना क्षेत्र में 8 क्विंटल गोबर की चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट तो हुई लेकिन आज तक ना तो गोबर मिला और ना गोबर चोर। दर्री पुलिस ने कुत्ता चोरी के मामले में पताशाजी शुरू कर दी है। एक अयोध्यापुरी से डाक घूम गया बोल के उसका सूचना आए थे, जिसके अपन तस्दीक कर रहे थे और सोशल मीडिया भी इसका चला था काफ़ी। उस हो सकता है कोई जो ले गया होगा या किसी के पास रहा होगा, उन्होंने उस कुत्ते को जो सूचना दिए थे उन्हीं के घर के पास छोड़ दिए थे रात में और मिल गया। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।